नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने जो दो रिले लगाई दोस्तों, उसका ट्रिपिंग इंडिकेशन के कनेक्शन कैसे करेंगे और अपने ऑन ऑफ और ट्रिपिंग इंडिकेशन के इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, आज वही सीखते हैं दोस्तों। वैसे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के दोस्तों ये ऑन इंडिकेटर के तीन प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके हम बाद में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आज हम दोस्तों इंडिकेटर कनेक्शन करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमारे तीन इंडिकेटर दोस्तों, ये रेड कलर ऑन के लिए यूज़ करेंगे और ये ऑफ के लिए और येलो कलर ट्रिपिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहले हम दोस्तों जो दो दो टर्मिनल हैं इनके आपस में लूपिंग कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तीनों इंडिकेटरों के एक एक टर्मिनल आपस में हमने लूपिंग कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमने फाइनल वायर निकाली है ये अपने न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी अपने स्टार्टर के साथ ऑन ऑफ, ये ऑन का इंडिकेटर के साथ ऑफ का इंडिकेटर और अपना ट्रिपिंग के इंडिकेटर के साथ कनेक्शन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से ये जो अपनी एमसीबी से जो इनपुट आई है दोस्तों, पावर जो कंट्रोल एमसीबी से, इसके इनपुट से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों इनपुट में, ये हमने दोस्तों रिले के जो इनपुट में अपनी एमसीबी से पावर आई है उससे हमने एक वायर कनेक्ट कर ली है। और फिर हमने दोस्तों जो कॉन्टैक्टर के हमने एनसी ब्लॉक में के इनपुट में यहाँ इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया। अब हम दोस्तों इसके लिए एक जो अपना ऑन का इंडिकेटर है दोस्तों, उसके जो ऑन के इंडिकेटर के लिए हम जो एनओ ब्लॉक यूज करेंगे एनसी ब्लॉक से, हम इसको यहीं इसके साथ लूप कर देते हैं दोस्तों। ये हम इसको यहाँ लूपिंग कर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने ये लूपिंग कर दिया इससे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके जो एनसी ब्लॉक है दोस्तों उसको देंगे हम ऑफ इंडिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों, और एनओ ब्लॉक देंगे दोस्तों हम ऑन इंडिकेशन के लिए। पहले हम दोस्तों ऑन इंडिकेशन के लिए वायर कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्टैक्टर के जो एनओ ब्लॉक है दोस्तों, उससे हम ये अपने रेड कलर का जो इंडिकेटर है दोस्तों इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने ऑन के लिए, ये जो अपना मेन कॉन्टैक्टर के एनओ ब्लॉक से हमने दोस्तों अपने ऑन इंडिकेटर के लिए वायर कनेक्ट कर दी है उसके आउटपुट से, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ ब्लॉक के आउटपुट से हमने ये ऑन इंडिकेटर रेड कलर के इंडिकेटर में वायर कनेक्ट कर दी दोस्तों। अब हम दोस्तों ग्रीन कलर का जो ऑफ इंडिकेटर है दोस्तों उसके लिए हम वायर कनेक्ट करेंगे दोस्तों।
उसकी वायरिंग करते हैं। उसके लिए दोस्तों जो हमने एनसी ब्लॉक है अपना कॉन्टैक्टर के ऊपर, उसमें हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं ऑफ इंडिकेटर के लिए। ये हमने वायर कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब हम ये अपना ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है दोस्तों, उसमें कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये हमने ग्रीन कलर के इंडिकेटर में ये वायर कनेक्ट कर ली दोस्तों, जो एनसी ब्लॉक में अपनी लगी है कॉन्टैक्टर के एनसी ब्लॉक में, के आउटपुट से हमने ग्रीन कलर के जो ऑफ इंडिकेटर है उसमें हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम दोस्तों इसके ट्रिपिंग इंडिकेटर की वायरिंग करेंगे। ट्रिपिंग इंडिकेटर के दोस्तों हमने एक यहाँ से लूप ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यहीं से लूप ले लेते हैं। और अगर हम यहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों, यहीं लूप नहीं मार सकते, तो यहाँ से भी हम कनेक्ट एक वायर से कनेक्ट करके हम ले सकते हैं दोस्तों, कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहीं से ले कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए पावर के लिए हम यहाँ से एक लूपिंग ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो ये अपनी रिले है दोस्तों, इसके एनो कॉन्टैक्ट में यहाँ इसको वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको कट कर लेते हैं और ये एनो कॉन्टैक्ट में हम कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ से यहाँ पावर इन इसके एनो अपनी एनो ब्लॉक के इनपुट में, रिले के एनो के इनपुट में हमने कनेक्ट कर लिए। अब यहीं से दोस्तों एक वायर और कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों निकल गई जो थी, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है। अब इस वायर को दोस्तों हम अपनी जो डेल्टा कॉन्टैक्टर के हमने जो रिले लगा रखी है उसके एनो ब्लॉक के इनपुट में कनेक्ट कर लेंगे, रिले के एनो ब्लॉक के इनपुट में कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों, रिले के एनो कॉन्टैक्ट में, ठीक है दोस्तों। इसमें हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, इसको ये हमने यहाँ कनेक्ट कर लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये अपने हमने यहाँ से इसका जो लूप लिया दोस्तों, ये अपने जो दोस्तों यहाँ से इसको एनो ब्लॉक, ये अपना रिले के एनो कॉन्टैक्ट को इनपुट में इधर पावर कनेक्ट कर दी, और इधर ही से लूप मार के दोस्तों जो हमने डेल्टा में रिले कनेक्ट की है उसके एनो कॉन्टैक्ट में हमने ये वायर कनेक्ट कर दिए दोस्तों, रिले के एनो कॉन्टैक्ट में। अब हम दोस्तों जो एनो कॉन्टैक्ट है दोस्तों रिले का, उसके आउटपुट में वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमने एनो कॉन्टैक्ट के रिले के एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट में वायर कनेक्ट कर ली, ये वायर कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब इसी वायर के दूसरे एंड को हम इधर से कट करके ये अपने जो डेल्टा कॉन्टैक्टर के आगे हमने रिले लगा रखी दोस्तों, इसके एनो कॉन्टैक्ट में, रिले के एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट में हम इसको यहीं कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें दोस्तों यहाँ एक वायर कनेक्ट करते हैं एनो कॉन्टैक्ट के, रिले के एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट में, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं इस रिले के भी और इस रिले से के भी, हम इससे कर लेते हैं दोस्तों।
हमने इधर वायर कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब ये जो वायर है दोस्तों, ये हम अपना ट्रिपिंग इंडिकेशन के जो दो नंबर टर्मिनल है ये इसमें कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर लिए दोस्तों। और जी ये न्यूट्रल की जो वायर है दोस्तों, ये हम अपने जो कंट्रोल के लिए एमसीबी लगा रखी दो पोल की, उसके न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हमने दोस्तों इंडिकेटर के लिए जो न्यूट्रल कनेक्ट की वायर थी वो वायर कनेक्ट कर ली। अब हम दोस्तों जो हमने ये लूपिंग किया इसके साथ रिले टू रिले, ये देखिए यहाँ से हमने इसको लूपिंग दिया, जो पावर सप्लाई है इसके इनपुट में लगा दी और इसके इनपुट में कनेक्ट कर दी। और जैसे हमारी और ये भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिए दोस्तों, ये देखिए अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारी अगर ये रिले ट्रिप होगी तो ये जैसे रिले ट्रिप होती है एनओ से एनसी हो जाता है, तो इधर से हमारी ये इंडिकेटर को ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसे ये रिले ट्रिप होती है तो इधर से अपनी पावर ये एनओ से एनसी हो जाएगी और ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको पावर ऑन करते हैं। अब ये हमने पावर ऑन की दोस्तों, ये देखिए हमारा ऑफ का इंडिकेशन आ गया है। और जैसे ही हम दोस्तों ऑन करेंगे तो ये जो हमने एनओ ब्लॉक में जो अपना ये ऑन का इंडिकेशन का कनेक्शन किया दोस्तों रेड कलर के, ये ऑन हो जाएगा। चलिए ऑन कर लेते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों ये हमारा ऑन का हो गया और डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा भी अपना सही काम कर रहा है। और अब हम दोस्तों इसको ट्रिप करेंगे, ये अपना ऑन का इंडिकेशन हो गया दोस्तों। अब अपना ट्रिपिंग का इंडिकेशन इस रिले से हम टेस्ट करते हैं दोस्तों, ये ट्रिप करवा देते हैं। देखिए ट्रिप का इंडिकेशन आ गया दोस्तों, ऑफ हो गया अपना स्टार्टर और ट्रिप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसको रीसेट करेंगे तो अपना इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये ऑफ हो गया। और अब हम फिर से इसको चालू करते हैं दोस्तों, और ये अपना अब इस रिले को ट्रिप करवाएंगे दोस्तों। फिर देखिए आप ये ऑन हो जाएगा, ये हमने किया, ये देखिए ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा स्टार्टर ट्रिप है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऑन के ऑन इंडिकेटर के ऑन इंडिकेटर है दोस्तों, इसके तीन प्रकार से कनेक्शन होते हैं। एक तो अपना मैन कॉन्ट्रैक्टर के साथ और एक अपना डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता है दोस्तों, और एक अपना होता है दोस्तों कि जिसमें चार इंडिकेटर लगते हैं दोस्तों। ऑन के साथ ये दिखाएगा दोस्तों, और एक अपना रनिंग इंडिकेशन और लगता है दोस्तों, वो हम अगली वीडियो में आपको तीनों प्रकार से करके दिखाएंगे। एक तो ये हो गया दोस्तों जिनके लिए आगे बनाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।